अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फ्यूचर ऑफ जावा, यानी कि जावा के फ्यूचर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला अगर देखा जाए तो जावा के फ्यूचर होता है सिंपल। सिंपल का मतलब हुआ गाइज कि सिंपल, यानी कि इसकी कोड को, सिंपल का मतलब हुआ कि आप इसकी कोड को इजीली वे में कहीं पे भी लिख सकते हैं गाइज, यानी कि इसमें इजीली वे में आप लिख सकते हो और इसको रन सकते हैं। तो जावा की जो कोड होती है सिंपल होते हैं। सेकेंड अगर जावा के फ्यूचर हुआ तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ऑलरेडी आपको समझा दिया, जो उप्स कॉन्सेप्ट होते हैं, 6 पिलर होते हैं, जिसका पहला होता है क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिक, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। ये 6 क्या होते हैं? उसकी मेन पिलर होते हैं। तीसरा पोर्टेबल, जो कि आगे हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में। पोर्टेबल का मतलब होता है कि जिसके पर इजीली ढंग से हम क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। चौथा क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब कहने का हुआ कि इसको, जैसे कि हमने यहाँ पे डॉस में क्या किया, कम यहाँ पे कोड को लिखे, डॉस में हमने कोड को लिखे और हमने मेक में चाहते हैं रन करने के लिए, तो इजीली ढंग से मेरा क्या होगा, रन हो जाएगा। ओके, जिसकी प्लेटफॉर्म, यानी कि आप कहीं पे भी कोड लिखिए, बस उसकी जो है एप्लीकेशन की सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके उस कोड को यहाँ से कॉपी करके ले जाके यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो दिस इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सिक्योर, सिक्योर का मतलब हुआ कि ये क्या है, प्योर सिक्योर है, इसमें एंटीवायरस आते हैं। दूसरा चीज की है कि C++ या सी में क्या था, पॉइंटर का यूज होता था गाइज। किसका यूज होता था? पॉइंटर। पॉइंटर का मतलब हुआ था कि ये किसी का एड्रेस रहता था। पॉइंटर का मतलब क्या होता है गाइज? कि ये किसी का एड्रेस रहता था। बट जावा ने इस चीज को क्या किया, इन्वाइट किया, और पॉइंटर को क्या किया, पॉइंटर को यूज ही नहीं किया। पॉइंटर को क्या किया, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पज से क्या करता था, किसी का एड्रेस, सपोज आपका एड्रेस अगर कोई जानेगा तो आपके घर, तो वो इजी ढंग से चला ही जाएगा। बट आपका वो एड्रेस ही नहीं जानेगा आपका घर के, तो वो इजी ढंग से नहीं जाएगा। तो ये इसने क्या किया, पॉइंटर को क्या किया, पॉइंटर को यूज ही नहीं किया, जिसके कारण क्या है, ये ऑलरेडी क्या हुआ, सिक्योर हो गया। सेकेंड जो होता है, सिक्स नंबर है रॉबेस। रॉबेस का अगर इंग्लिश में बात किया जाए, इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। रॉबेस का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज हुआ। ये किससे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि इसने पॉइंटर को यूज ही नहीं किया। पॉइंटर को क्या किया, यूज नहीं किया, जिससे इसको कोई भी हैंग नहीं कर सकता। आर्किटेक्चर नेचुरल, आर्किटेक्चर नेचुरल का मतलब हुआ कि इसको इजीली वे में आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड जो 8 नंबर है, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मतलब हुआ कि ये लाइंस बाय लाइन, ये कोड जो कहता था लाइंस बाय लाइन, कंपाइलर और डिफरेंट, दो डिफरेंट है कंपाइलर और इसमें, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। कंपाइलर क्या करता था गाइस, कंपाइलर का क्या काम है, कंपाइलर जो आपने कोड आपने लिखे, जैसे सपोज इसने 3 लाइन का कोड लिखे, तो एक बार में ये क्या करता था, कोड को रन कर देता था। कोड को क्या करता है, कंपाइलर रन कर देता। बट आपने अगर इंटरप्रेटर का यूज किए, आपने 3 लाइन कोड दिए, तो सबसे पहले ये लाइन कोड को रन करेंगे, देन इस वाले लाइन को देंगे। तो दोनों में मेजर डिफरेंट ये है, इंटरप्रेटर और क्या है, कंपाइलर में। कंपाइलर क्या करता है, एक बार में पूरी कोड को रन कर देता है। बट इंटरप्रेटर की काम क्या है, हर लाइन को चेक करके क्या करता है, कोड को रन करना। और हाई परफॉर्मेंस, इसकी स्पीड जो है, बट स्पीड इसकी हाई है। इसकी अगर स्पीड की बात करें तो हाई, जावा लैंग्वेज की स्पीड क्या था गाइज, हाई था। तो ऑलरेडी इसकी जो है 9, हमने यहाँ पे 9 मीटर और भी होते हैं इसकी फ्यूचर। तो 9 मीटर कौन कौन से, एक बार दोबारा से, सबसे पहला क्या हो गया सिंपल, सेकेंड हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, थर्ड क्या हुआ पोर्टेबल, फोर्थ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर, रॉबस्ट, आर्किटेक्चर नेचुरल, इंटरप्रेटर एंड हाई हाई परफॉर्मेंस। ये जावा के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्यूचर ऑफ जावा, जावा की फ्यूचर, ये बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा गया था। आई होप इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा कि जावा की फ्यूचर क्या क्या होते हैं, सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पोर्टेबल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर, रॉबस्ट, आर्किटेक्चर नेचर, इंटरप्रेटर एंड हाई परफॉर्मेंस। ओके, अगर नेक्स्ट टॉपिक पे जाए तो नॉन पोर्टेबल, दो टाइप का होता है, पोर्टेबल एंड नॉन पोर्टेबल। तो नॉन पोर्टेबल का मतलब हुआ, इफ देज ऑपरेटिंग सिस्टम शुड एग्जीक्यूट डॉक कोड, यानी कि नॉन पोर्टेबल का मतलब हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम से आप डॉक पे वो नहीं कर सकते। इट हाई लेवल लैंग्वेज कोड यू आर कंपाइलर, ये जो कंपाइलर करता है हाई लेवल कोड को क्या कहते हैं, कंपाइलर करता है। इसके बाद इफ द मिस मैच ऑपरेटिंग सिस्टम देन योर प्रोग्राम, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मिस मैच हुआ तो वो कोड क्या होगा, प्रोग्राम आपकी रन नहीं होगा, ना ही कंपाइलर होगा। इसी कोड को हमने यहाँ पे 4 लाइन में किया। सेकेंड अगर बात करते हैं तो मेमोरी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ी कोई चीज की होती है तो होता है मेमोरी को आप कैसे मेंटेन करते हैं। ओके, ये चीज होता है। तो जावा ने इसको इजीली ढंग से, जावा ने क्या किया है, मेमोरी को ऑर्गेनाइजेशन किया। अगर बात करें कि आपने ऑलरेडी इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि 4 होते हैं, यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखे भी है कि सबसे पहला देखिए क्या लिखे, प्रोग्रामिंग वेयर हैविंग 4 डायमंड वेन कम टू मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। 4 डायमंड है, सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला की बात करें तो वो फास्ट है, कॉम्पैक्ट है, नॉन वोलाटाइल है और चीप और इकोनॉमिक से। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला अगर रैम की बात करें तो रैम वाज फुलफिल्ड बाय सेपरेट हार्ड डिस्क फुलफिल। ओके, एंड दीज अदर सेपरेट प्रोग्राम हैव बीन बोथ डिसाइडिंग। यहाँ पे अगर मेमोरी की बात करें तो जैसे ही हम यहाँ पे एक डायग्राम के अकॉर्डिंग पे आपको समझाएं कि हार्ड डिस्क में क्या होता है, हार्ड डिस्क का अगर एडवांटेज पूछा जाए कि हार्ड डिस्क का एडवांटेज क्या होता है, तो यहाँ पे हार्ड डिस्क का एडवांटेज क्या होता है गाइस, कि ये नॉन वोलेटाइल होता है और इकोनॉमिकल होता है। ओके, दो इसके एडवांटेज है, सबसे पहला क्या है कि नॉन वोलेटाइल होता है और ये क्या होता है, इकोनॉमिकल। दूसरा इसकी डिसएडवांटेज क्या होता था हार्ड डिस्क का, कि ये स्लो और बल्क था, जो कि मैग्नेटिक का टेक्नोलॉजी जो आया था इसमें क्या था, ये स्लो था। सेकेंड जो आया सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी आया, सबसे पहला क्या आया था, मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी आया, जिसमें इसकी एडवांटेज क्या क्या, नॉन वोलेटाइल और इकोनॉमिक्स था। सेकेंड इसकी डिसवांटेज, ये स्लो और बल्क था। इसके बाद जो हमने सेमी कंडक्टर आया, इसने एडवांटेज क्या दिया, ये फास्ट कर दिया और कंपेयर कर दिया। ओके, और इसका डिसएडवांटेज क्या था, ये वोलेटाइल और एक्सीटम।
इसके बाद सेमीकंडक्टर ने आउटपुट दिया। तो ये मेमोरी का है। सेकेंड अगर बात करते हैं यहाँ पे, ओके सेकेंड को यहाँ पे देखिए, दीज आर नो सिंगल मेमोरी दैट विच कैन मीट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम दैट मीन रिगोराइज यू हैव टू मेमोरी एंटर इनटू द कंप्यूटर। ओके ऑब्जेक्ट फाइल दो होता है, एक ऑब्जेक्ट फाइल होता है, एक एग्जीक्यूटिव फाइल होता है। दोनों में डिफरेंट क्या है कि ऑब्जेक्ट फाइल का मतलब हुआ कि जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए वो, और एग्जीक्यूटिव फाइल का मतलब ये जो हुआ एग्जीक्यूटिव फाइल हुआ ऑब्जेक्ट का जो हमने क्रिएट किया। यहाँ पे देखिए हमने फिगर के अकॉर्डिंग पे आपको यहाँ पे समझाया कि एक हार्ड डिस्क है, उसमें जो है मशीन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है, तो ये जो ऑलरेडी उसमें कोड डेटा है ये एग्जीक्यूटिव कोड होता है जो कि लिंकिंग एडिटर से होकर गुजरता है और इसके बाद आउटपुट देता है। यहाँ पे डिफरेंट अगर बोला जाए कि ऑब्जेक्ट फाइल और एग्जीक्यूटिव फाइल का डिफरेंट क्या है, तो ऑब्जेक्ट फाइल कंटेन कोड मशीन लेवल। ऑब्जेक्ट फाइल भी क्या करता है, कोड को मशीन लेवल में करता है, पर एग्जीक्यूटिव कोड भी क्या करते हैं, कंटेन करता है मशीन लेवल में। सेकेंड क्या है, ऑब्जेक्ट फाइल इज ए कंप्लीट फाइल होता है, और ऑब्जेक्ट फाइल ये भी क्या होता है, कंप्लीट फाइल। ओके यहाँ पे हमने क्या किया गाइस, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, जस्ट यहाँ पे क्या होगा, ओके यहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइल नहीं होगा, ओके यहाँ पे एग्जीक्यूटिव फाइल होगा, जस्ट यहाँ पे जो होगा सॉरी एग्जीक्यूटिव फाइल होगा, ओके यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव फाइल और यहाँ पे भी क्या होगा गाइस, एग्जीक्यूटिव फाइल, ओके सॉरी यहाँ पे भी क्या होगा, एग्जीक्यूटिव फाइल होगा। ओके ओके मेन जो मेजर डिफरेंट है कि ऑब्जेक्ट फाइल और एग्जीक्यूटिव फाइल में ऑब्जेक्ट फाइल का नॉट, ये क्या कहता है, रन नहीं होता है, बट एग्जीक्यूटिव फाइल क्या होता है, रन। मेजर डिफरेंट क्या है कि ऑब्जेक्ट फाइल कभी भी रन नहीं होता है, बट एग्जीक्यूटिव फाइल क्या होते हैं, रन होते हैं। ओके अब नेक्स्ट पार्ट की ओर चले तो, ओके नेक्स्ट अगर पार्ट की ओर करें तो लिंकिंग एडिटर, अगर लिंकिंग एडिटर क्या होता है, तो लिंकिंग एडिटर इज ए सॉफ्टवेयर दैट इज रिप्रेजेंट फॉर लिंकिंग योर ऑब्जेक्ट along with the library file and given out or executive file. Linking editor क्या कहता है? Linking editor is a software that represents for linking your object along with the library file and given out of executive. ये कभी-कभी interview में पूछता है. Second क्या होता है? Class loader. तो class loader is a software that is represents for executive file into raw. Okay? Second अगर बात करें next topic की कि next topic की feather, यानी कि C++ feather क्यों? जो Java की language है वो इतनी popular हो गया, but C++ language जो feather हुआ, इसके main reason क्या हुआ? तो main reason क्या है कि जैसे ही हमने C++ की code को, just one second, अगर यहाँ पे बात करें तो जैसे ही हमने C++ की कोड को क्या करें, यहाँ पे लिखे हमने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम डॉक में हमने क्या किया, C++ कोड को लिखे, ओके डॉक में लिखे, और इसके बाद उसको हमने क्या किया, मॉक में रन करने की ट्राई किए, मॉक में क्या किया, रन करने तो नो आउटपुट, ये क्या किया, आउटपुट ही नहीं देगा, या आपने लिनक्स में करने की नो आउटपुट, अगर डॉक को डॉक में करते हैं, डॉस में करते हैं, देन वो क्या कहते हैं, देंगे। तो यहीं पे हमने ये चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ये फायर होने की मेन रीजन था कि ये ओनली फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपने कटाई करेंगे, सेम उसी में आपको रन करेंगे, देन वो आउटपुट है। तो इसके कारण पर जावा में क्या था, ये चीज नहीं था जावा में आपका, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर में अगेन हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जस्ट वन सेकेंड अगर यहाँ पे देखते हैं तो जावा में हमने क्या किए हैं, ओके गाइस तो यहाँ पे हमने सीरियड में अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमने सीरियड में क्या किया, इस चीज को डिनोट किए हैं कि देखिए अगर आपने डॉक में किए, डॉस में ही करेंगे तो वो क्या करेंगे, आउटपुट एग्जीक्यूटिव करेंगे, तो वो आउटपुट क्या करेंगे, देंगे। ओके सेकेंड हमने क्या किया, डॉक्स को लिनक्स में देंगे तो नहीं होगा आउटपुट, डॉक्स को डॉक्स में देंगे तो क्या होगा, आउटपुट देगा। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या होगा, मैक का है, सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक की, ये क्या है, मैक का है, कि डॉक को मैक में करेंगे तो कुछ भी आउटपुट नहीं देगा, डॉक को अगर लिनक्स में करते तो कुछ भी आउट, यानी कि सेम आपकी जैसे विंडो को विंडो पे ही रन करेंगे तभी वो क्या करेंगे, आउटपुट, जिसके कारण क्या हुआ, C++ लैंग्वेज फाइल हो गया। बट यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि जावा क्यों सक्सेस हुआ, C++ फायर हुआ और जावा क्यों सक्सेस हुआ, तो इसकी मेन रीजन है क्या गाइस, कि जावा की जो मेन रीजन था, यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो जावा में क्या था कि आपने इसकी कोड को डॉक में लिखे, डॉस में या विंडो में आपने यहाँ पे कोड को लिखे और मैक में जाके क्या किया, रन की, तो वो इजिली रन से क्या होता था, रन या लिनक्स में आप कर दीजिए या डॉक में, तो वो आउटपुट दे देता था, जिसके कारण क्या हुआ, इसका मेन रीजन था कि जावा का देखे हाई लेवल लैंग्वेज, उसने पहले क्या किया, जावा कंपाइलर में किया और उसने इंटरमीडिएट बाइट कोड, एक सबसे पहला जो है आपने हाई लेवल लैंग्वेज की कोड हुआ, देन उसको उसने कन्वर्ट क्या किया, जावा कंपाइलर में किया, जावा कंपाइलर क्या काम करता था, इंटरमीडिएट लेवल यानी कि बाइट कोड में उसको कन्वर्ट कर देता था, बाइट कोड क्या करता था, जेबीएम में कन्वर्ट करता था, ओके जेबीएम में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, और जेबीएम क्या करता था, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया दे, तो जेबीएम में जैसे ही इंटरमीडिएट लेवल कोड में करता था वो इंटरनेट पे जाता था और वहां पे भी क्या करना है आपको, बस एक जेबीएम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, देन उस कोड को क्या करते थे, आपकी जो कोड होता था हाई लेवल, पहले उसको कंपाइलर देता था, कंपाइलर की काम क्या रहता था कि इंटरमीडिएट लेवल कोड में उसको कन्वर्ट कर देना, यानी कि जो आपने कोड जावा में आपने लिखे उसको पहले कंपाइलर ने क्या किया, इंटरमीडिएट लेवल या बाइट कोड में उसको कन्वर्ट कर दिया, देन आपने इंटरनेट पे दिए, हर जगह क्या किया, इंटरमीडिएट लेवल कोड को जेबीएम के थ्रू क्या क्या कन्वर्ट करके, जिसके कारण वो आउटपुट, तो जावा इसलिए सक्सेस हुआ कि उसने क्या किया, एक इंटरमीडिएट लेवल बाइट कोड में कन्वर्ट किया और आप दूसरे जिस सिस्टम में भी आपको रन करना है वहां पे आप जेबीएम इंस्टॉल कीजिए और ये आउटपुट आएगा। तो इसलिए जावा सक्सेसफुल हुआ क्योंकि इसने क्या किया, प्लेटफॉर्म जो है इंडिपेंडेंट दे दिया,
जिसके कारण जावा सक्सेसफुल हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जावा सी प्लस प्लस क्यों फायर हुआ और जावा सक्सेस क्यों हुआ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सी प्लस प्लस फायर क्यों हुआ और जावा सक्सेस इतना क्यों हुआ, तो आपको बताना है कि इसके प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट था। इसको जैसे एज फॉर एग्जाम्पल पे अगर हम सी प्लस प्लस की कोड को विंडो में लिखे और मैक में रन करना चाहेंगे तो वो मैक में नहीं रन होगा, बट अगर सी प्लस सॉरी जावा की कोड को हमने विंडो में लिखे और मैक या लिनक्स में करना चाहेंगे तो इजीली ढंग से हो जाएगा। और क्यों होगा, क्योंकि जावा क्या किया, सबसे पहले उस कोड को इंटरमीडिएट लेवल कोड में कन्वर्ट किया और आपको जिसमें भी रन करना है एक सॉफ्टवेयर बोला कि आप जेवीएम को क्या कीजिए इंस्टॉल कर दीजिए, इजी ढंग से हमारा क्या हो जाएगा आउटपुट हो जाएगा। आई होप आपको ये कोई कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। नेक्स्ट होता है इंटरप्रेटर, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी हमने समझा दिए कि इंटरप्रेटर वन लाइन कंप्लीट देन अनदर लाइन क्या होता है एग्जीक्यूट बट कंपाइलर एग्जीक्यूट होता है। कहने का मतलब हुआ कि सपोज ये 3 लाइन की कोड है तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले इसको चेक करेगा, इसके बाद पास हुआ तो देन इस पे जाएगा, अगर ये पास हुआ तो देन इसके, तो ये इंटरप्रेटर की काम है। बट अगर आपने कंपाइलर का यूज किया तो ये हॉर कोड को एक बार में क्या करता था, रन कर देता है। पर कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या करता था, पहले इस लाइन को रन करेगा देन इस लाइन पे जाएगा देन इस लाइन पे, तो इसके कारण इंटरप्रेटर जो है यूज हुआ। तो आपको डिफरेंट पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, तो आप आई होप अच्छे से इसकी आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने डायग्राम से आपको समझाया कि जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर क्या करता है, पहले मशीन लर्निंग में इसके बाद रैंकिंग लोडर के थ्रू इमेज क्रिएट किया, इसके बाद सेम यहाँ पे हमने क्या किया गाइस, यहाँ पे देखिए कंपाइलर का किया, कंपाइलर आएगा रैंकिंग लोडर पे और दे। तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात किया जाए कि इंटरमीडिएट लेवल लैंग्वेज, जो कि अभी आपने ऊपर में पढ़े, तो इंटरमीडिएट लेवल कोड क्या लैंग्वेज क्या होता है, तो इंटरमीडिएट लेवल इज ए कोड दैट इज नीडेड हाई लेवल लैंग्वेज नो इन द मशीन लेवल लैंग्वेज दैट इज द रिसोर्स भी लैंग्वेज। ये क्या है, रिसोर्स भी देंगे। सबसे पहले क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट लेवल इज ए कोड दैट इज नीडेड हाई लेवल लैंग्वेज नो इन द मशीन लेवल लैंग्वेज दैट इज द रिसोर्स भी लैंग्वेज। सेकेंड अगर पॉइंट बोला जाए इंटरमीडिएट लेवल कोड में, तो इट इज ए इंटरमीडिएट लेवल कोड, द अदर नेम इज बाइट कोड। इसका अगर दूसरा नाम अगर बोला जाए तो क्या नाम है, बाइट कोड है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इंटरमीडिएट लेवल लैंग्वेज किसको बोला जाता है। सेकेंड होता है जेबीएम, कि जेबीएम किसको बोला जाता है, तो जेबीएम की सबसे पहला अगर फुल फॉर्म बोला जाए तो जावा वर्चुअल मशीन होता है। क्या होता है, जेबीएम की फुल फॉर्म जावा वर्चुअल मशीन। सेकेंड अगर डेफिनेशन बोला जाए तो इट इज ए सॉफ्टवेयर दैट टेक इंटरमीडिएट लेवल कोड एंड बाइट कोड एज ए इनपुट। इसने जेबीएम ने क्या कहा है, ये सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरमीडिएट लेवल कोड और बाइट कोड इनपुट में देता है और मशीन लेवल में क्या करता है, आउटपुट। आपको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलना है कि जेबीएम क्या करता है, इंटरमीडिएट लेवल कोड एंड बाइट कोड को इनपुट में देता है और मशीन लेवल लैंग्वेज में उसने आउटपुट को देता है। तो आपको इजीली याद होगा, सबसे पहले आपको डेफिनेशन बता देना है फुल फॉर्म की, जेबीएम इज ए जावा वर्चुअल मशीन। सेकंड आपको क्या बोलना है, इट इज ए सॉफ्टवेयर दैट टेक इंटरमीडिएट लेवल कोड एंड बाइट कोड एज ए इनपुट एंड गिवन आउटपुट मशीन लेवल लैंग्वेज। ओके, थर्ड अगर बोला जाए तो द जेबीएम कैन बी रिटन इन द सी लैंग्वेज, इसने जो कोड लिखता है सी लैंग्वेज में लिखता है। फोर अगर पॉइंट अगर बोला जाए तो जेबीएम इज ए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, इसके प्लेटफॉर्म जेबीएम की डिपेंडेंट होते हैं। आपने हमने अभी जस्ट ही कुछ देर पहले क्या समझाया कि अगर आपने विंडो में कोई कोड लिखे हैं उसको आपने क्या करना है, लिनक्स में या यूनिक्स में लिखना चाहते हैं तो वहां पे जाके बस जेबीएम की सॉफ्टवेयर को क्या कीजिए इंस्टॉल कर दीजिए और जो इंटरमीडिएट लेवल की कोड है उसको वहां पर जाके पेस्ट कर दीजिए, तो वो कोड को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बोला जाए तो जेबीएम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड कोड भी राइटिंग इन सी लैंग्वेज, इसने कोड को क्या कहते हैं सी लैंग्वेज में लिखते हैं। यहाँ पे एक एप्लीकेशन, कोई अगर आप एप्लीकेशन बनाते हैं गाइस तो वो एप्लीकेशन टू टाइप का बनता है। आई होप आप लोगों को अच्छे मालूम होगा, नहीं तो अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं कोई एप्लीकेशन तो वो दो टाइप का हो सकता है, या तो पोर्टेबल एप्लीकेशन हो जाता है या तो एम्बेडेड एप्लीकेशन। तो पोर्टेबल एप्लीकेशन की बात करें कि जावा की जो आपने कोई एप्लीकेशन अगर जावा में बनाते हैं तो वो क्या होते हैं प्लेटफॉर्म पोर्टेबल एप्लीकेशन बनता है, जो कि प्लेटफॉर्म क्या होता है इंडिपेंडेंट। अगर आपको एम्बेडेड एप्लीकेशन आपने कोई अगर बनाए तो वो सी सी प्लस प्लस में अगर कोई आपने एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वो क्या होता है एम्बेडेड एप्लीकेशन होता है, उसमें स्पीड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, पोर्टेबल एप्लीकेशन में स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट अगर एम्बेडेड एप्लीकेशन बोला जाए तो उसमें स्पीड क्या होता है इंपॉर्टेंट। तो डिफिनेशन की अगर बात करा जाए कि पोर्टेबल एप्लीकेशन किसको बोला जाता है, तो पोर्टेबल एप्लीकेशन आर द एप्लीकेशन वेयर प्लेटफॉर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस टाइप ऑफ कोड यूज इन जावा, यानी कि पोर्टेबल एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर चीज होता है तो वो प्लेटफॉर्म होता है। इसकी प्लेटफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस प्लेटफॉर्म के इसको रन कर रहे हैं। बट एम्बेडेड एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है गाइस, स्पीड इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हमने नीचे डिफिनेशन लिखे हैं कि एम्बेडेड एप्लीकेशन आर एप्लीकेशन वेयर स्पीड इज ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस टाइप ऑफ कोड आर यूजिंग सी एंड सी प्लस, इसकी जो कोड यूज होता है सी एंड सी प्लस प्लस में यूज होता है। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें जे आर, ओके, जो कि इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जे आर की का फुल फॉर्म बोला जाता है जावा रन टाइम एनवायरमेंट। जे भी हमको ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्या है जे आर, जे आर का फुल फॉर्म क्या होता है जावा रन टाइम एनवायरमेंट। सेकेंड अगर पॉइंट बोला जाए तो जे आर इज ए रिजोल्यूशन दैट इज अकोड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम इन टू द रॉम, ये क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से रॉम में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे हमने उसकी फिगर बनाए, जैसे कि हार्ड डिस्क है आपका,
हार्ड डिस्क में फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारे कंपनी है। आपने क्या करना है, इंटरनेट पे हार्ड डिस्क में आपके हैं, उसको क्या, जैसे फ्लिपकार्ट को आप लेना है तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करना है, फ्लिपकार्ट को बाइट कोड में कन्वर्ट करके फ्लिपकार्ट को करके आप आउटपुट ला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर कहते हैं बाइट कोड, ये बहुत बार आपने रिपीटेड आपने सुने होंगे बाइट कोड, तो बाइट कोड पहले एक्चुअल में होते क्या है, तो यहाँ पे हमने उसके भी डिफिनेशन बता दिए कि बाइट कोड भटकर विल मेक श्योर दैट डिटेल ऑफ वन जावा एप्लीकेशन नॉट बीन एक्सेस अनदर जावा, यानी कि एक को एक्सेस करने के बाद दूसरे को एक्सेस नहीं करते। ओके, नेक्स्ट।